खबर मध्य प्रदेश की उमरिया जिले से है, जहां आज ग्राम सामाजिक एनिमेटर संघ जिला उमरिया द्वारा VSA की मांग को लेकर मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुश्री मीना सिंह जी आवास पर पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर कैबिनेट सुश्री मंत्री मीना सिंह को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों को अवगत कर पाए। बता दें कि ग्राम सामाजिक एनिमेटर मध्य प्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत गठित मध्य प्रदेश संपरीक्षा समिति के तहत निर्धारित मापदंडों के अनुसार सामाजिक अंकेक्षण कार्य हेतु चयनित किया था। मध्य प्रदेश के जिलों में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास जैसी योजना वृहद स्तर पर हितग्राही मूलक केंद्र योजनाओं को सामाजिक अंकेक्षण कार्य हेतु नियुक्त की गयी थी। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के जनपद पाली मानपुर करकेली ब्लॉक में केंद्रीय योजनाओं के सामाजिक अंकेक्षण कार्य हेतु नियुक्ति की गई थी। बता दें कि ग्राम सामाजिक एनिमेटर सोशल ऑडिट के कार्य लगातार 5 वर्षों से कर रहे हैं। कोरोना काल में 5 वर्षों से काम चल रहा है और अपनी जान जोखिम में डालकर कार्य किया, लेकिन आज दिनांक तक उनका चयन होने के बाद भी नियमित रूप से कार्य ना मिल पाने के कारण सामाजिक एनिमेटर के सामने रोजगार के संकट खड़े हो गए हैं। वर्तमान में ग्राम सामाजिक एनिमेटर को हो रही समस्याओं पर जनप्रतिनिधियों का ध्यान आकर्षण कराते हुए उमरिया जिले के ग्राम सामाजिक एनिमेटर संघ ने आज अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर, जो कि नियमितीकरण, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना अंतर्गत अध्ययन और मध्यान्ह भोजन का सोशल ऑडिट का कार्य 5 वर्षों से काम कर रहे ग्राम सामाजिक एनिमेटर संघ को दिया जाए। सभी ग्राम सामाजिक एनिमेटर को पूरे वर्ष प्रति माह नियमित कर दिया जाए। सामाजिक अंकेक्षण का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। सामाजिक एनिमेटर कर्मचारियों को निश्चित मासिक मानदेय प्रदान किया जाए एवं यात्रा भत्ता भुगतान के प्रावधान किया जाए। ग्राम संपरीक्षा समिति के सदस्यों को सामाजिक अंकेक्षण सत्यापन अवधि का मानदेय मनरेगा की मजदूरी के हिसाब से दिया जाए। मानसिक सामाजिक अंकेक्षण का कार्य करने वाली ग्राम सामाजिक एनिमेटर सहित सभी कर्मचारियों का मेडिकल बीमा इंश्योरेंस की सुविधा प्रदान की जाए। ग्राम विकास सामाजिक संगठन संघ मध्य प्रदेश के समस्त जिलों में शासन की योजनाओं का प्रचार प्रसार एवं क्रियान्वयन में सहयोग कर रहा है। अभी वर्तमान में लाडली बहना योजना में भी ऐसे अपने अपने क्षेत्र में EKYC कराने तथा अन्य किसी भी समस्या का निरंतर सहयोग कर रहा है। ऐसी अन्य शासन की योजनाओं को लगातार हम सभी लोग जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। जीरो ब्लॉक के हम BSA इकट्ठा हुए हैं। हम लोग को नियमित कर दिया जाए और हम लोगों ने यानी 6-3 महीने काम करते हैं, बाकी दिन हम लोग बैठ लेते हैं। हम लोग को ये है कि अपमान है कि हमको यानी पूरा साल काम किया और MDM का भी हम लोग से ही आगे चल रहा है। किसी दूसरे से जी को मैंने ज्ञापन दिया है मीना सिंह जी के थ्रू और इसमें हम लोग की मांग दी है, इसमें हम लोग ने लिख के दिया है। माननीय कैबिनेट मंत्री श्री मीना सिंह जी के यहाँ हम पूरे संघ के ग्राम विकास सामाजिक एनिमेटर संघ के पूरे BSA अपनी कुछ मांगों को लेकर मीना दीदी के पास आए थे और हमारी जो मांगे हैं हमने मीना दीदी को अपने ज्ञापन पत्र के माध्यम से तीनों ब्लॉक के BSA करकेली मानपुर और पाली ब्लॉक के BSA साथियों का आना हुआ और अपनी मांगों को ज्ञापन पत्र के माध्यम से माननीय प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भिजवाने का आग्रह किया है। तो मीना दीदी का भी आश्वासन मिला है कि हम आपकी मांगों को माननीय मुख्यमंत्री तक जरूर पहुंचाएंगे और हम BSA पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत मध्य प्रदेश गठित संपरीक्षा समिति के अंदर में हम लोग काम करते हैं, जो कि गवर्नमेंट बॉडी है और हम लोगों का काम 6-3 महीने चलता है और नियमित कार्य नहीं मिलता है। तो हमारी कुछ मांगे हैं कि ग्राम विकास सामाजिक एनिमेटर को नियमित कार्य एवं निश्चित मानदेय प्रदाय किया जाए और जो भी कार्य पंचायत में होते हैं सोशल ऑडिट मनरेगा के हो गया और प्रधानमंत्री आवास योजना के हो गया, तो ऐसे ऑडिट कार्य हमारे BSA साथियों से ही कराया जाए, ग्राम विकास सामाजिक एनिमेटर साथियों से कराया जाए। ऐसी कुछ मांगे प्रमुख थे, 8 सूत्री मांगों का हमने ज्ञापन के माध्यम से मांग किया है। तो हमारी मांगों को प्रदेश मुख्यमंत्री जी से भी चाहेंगे कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए।